तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा बिल्कुल बढ़िया होइएगा। दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का सेंटर रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पढ़ा हुआ है, जो अनिसाबाद में स्थित है। आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्रगण पीछे मौजूद है, और ये हमारे फ्रेंड पहुंच गए हैं। अब इसके बाद में बोलेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम आज होगा। देखिए गाइस, हम लोग का पेपर 4 का पार्ट 3 का पेपर 5 का पार्ट 3 का एग्जाम है। हम आए हुए हैं अनिसाबाद सेंटर, हम लोग का पढ़ा हुआ है LKD कॉलेज से। आप पटना आइए तो एक बार यहाँ पे जरूर आकर इस कॉलेज में आइए, बहुत अच्छा है यहाँ, स्विमिंग पूल है। दोस्तों, तो आप पीछे देख रहे हैं, काजल देख रही है इधर, जो लॉ वाला टी शर्ट पहनी हुई है वही काजल है। काजल की मौसी है पीछे। तो मतलब यही हुआ दोस्तों, आज हम लोगों का एग्जाम किस प्रकार से होता है सब दिखाएंगे। वहाँ पे किस प्रकार से चीट उट होता है ये सब हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बाबा ही लोग रहते हैं, उन लोगों को खैनी लाए हुए हैं हम लोग, खैनी नहीं देकर चीट करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ा आगे, तब तक वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चंपारण ब्लॉग्स हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, गेट खुल चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और बहुत सारे छात्रगण इधर उधर मौजूद है। और वहाँ पे परीक्षा का सीटिंग साटा गया है, जो कौन से सीटिंग में आपका एग्ज़ाम है और कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, RKD कॉलेज यानी रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का सेंटर पड़ा हुआ है अनिसाबाद के रामलखन यादव कॉलेज में। तो अंदर किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है सब अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अंदर हम लोग और वहाँ से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। अभी थोड़ा देर के बाद हम वीडियो को शूट करेंगे, तब तक के लिए रोकते हैं। अभी देख सकते हैं BSC का एग्जाम हो रहा है, पार्ट 3 का पेपर 5 का एग्जाम चल रहा है। सभी भाई लोग बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आज एग्जाम काफी शानदार तरीके से यहाँ पे संपन्न होता हुआ। अब अगले पेपर की तैयारी में जुटेंगे लोग और नया गेस्ट पेपर किन के लाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का BSC मैथ ऑनर्स का एग्जाम था, पार्ट 3 का पेपर नंबर 5 था। तो एग्जाम समाप्त हो चुका है और सभी साथीगण यहाँ पे मौजूद है। हम लोग कल NIT गए हुए थे, वहीं सब हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ 9 महीना 6 महीने के बाद कर रहे हैं, पता ना क्या हो रहा है। अभय कुमार को आज गर्लफ्रेंड इसी में मिल गई है और पवन भाई भी खोज रहे हैं, पता ना मिले तो मिले ना, तो अभी लास्ट तक लिंक दिया जाएगा। पवन भाई के गर्लफ्रेंड है तो पीछे हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जूमे नहीं हो रहा है। देखिए अबे कुछ कह रहा है, बोलो क्या भगवान हो। हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे पवन जी है, कल NIT गए थे। इनका गर्लफ्रेंड कल भी सूख गया NIT में, खर्चा कराने के डरे भी उसका दिया ही, खर्चा उर्चा नहीं किया। देखिए सुतरी बम हो गया है लड़की के चक्कर में, तो 61-62 खाली करते रहता है इसी पे। तो दोस्तों, यही सब है, किसी भी प्रकार से एंजॉय करके हम लोग एग्जाम दिए हैं। तो एग्जाम बढ़िया गया, पता ना कितना नंबर आएगा। तो आगे मिलेंगे आप लोगों से। और सामने देख सकते हैं एक मंदिर हुआ और ये मानिक चंद करके तालाब का नाम हुआ, और सामने देख रहे होंगे कॉलेज हुआ अनिसाबाद का, काफी शानदार कॉलेज है दोस्तों। तो हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ेंगे और अपने रूम की तरफ जाएंगे। हम लोग का रूम मुसलमपुर हाट की तरफ है, उधर सब कोचिंग सब है, इस वजह से उधर रहते हैं हम लोग, और एग्जाम काफी ज्यादा दूर दिया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और अगले दिन आएंगे तो फिर आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।